नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव वायर और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। कुछ दिन पहले आपने लगातार धरने प्रदर्शन देखे होंगे। बिजली विभाग की बात करें, लगातार उनके जो कर्मचारी थे, उनके अधिकारी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि बिजली विभाग को प्राइवेट ना किया जाए। मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी अपना कोई बिल जो है वो इस JPDCL की बात करें, ये बिल आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप अपना बिल यहाँ पर जमा करवाने के लिए जाते हैं या बिजली विभाग के कार्यालय में आप अगर जाते हैं तो ज़रा सावधान हो के जाएं। आपके साथ गुंडागर्दी हो सकती है, आपको मारा जा सकता है, आपके साथ मारपीट की जा सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये व्यक्ति जो है आप इनको देखिए यहाँ पर, और ये ऊपर कार्यालय है। पहले सबसे पहले आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो कार्यालय है, बिजली का बिल जमा करवाने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन इनके साथ मारपीट की गई है, इनका आरोप है। ये आप टूटी हेलमेट जो है वो देख सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये व्यक्ति जो है, इन्होंने हमसे अप्रोच किया है कि इनके साथ मारपीट जो है वो की गई है, इनसे सीधा जुड़ेंगे। सबसे पहले आपको ये बिल दिखा दें, ये बिल जो हैं इस पर स्टम्प्स जो हैं वो लगी हुई हैं। ये आप बिल देखिए, आप कुछ इनसे हम जुड़ेंगे, सीधा जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम विशाल है सर। विशाल जी, मुझे बताएं कि आप ये बिजली का बिल जो है ये जमा करवाने के लिए आए थे, क्या पूरी घटना जो है, क्या क्या हुआ? मैं एक्चुअली, मेरा बिल जो है प्रॉपर मंथली बाई मंथ नहीं आता है। मैं इनसे बात करने आया था, पहले भी दो तीन बार आया हूँ मैं, तो इन्होंने कहा कि नेक्स्ट मंथ जो आएगा बिल उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, इस बार बिल आया मेरे पास तो मैं वापस दोबारा लेके आया हूँ। मैंने इनको कहा कि मेरे को, मैं एक साथ नहीं जमा करवा सकता हूँ, तो इसके ऊपर स्टैंप करवानी है मुझे, मैं धीरे धीरे इसको जमा करवाऊँ। बोलते हैं कि नेक्स्ट मंथ आना। मैंने बोला हार्ड टाइम यही बोलते हो, ठीक है। तो मैंने उनको ये कहा कि मैं इतना ज़्यादा, मेरे को लेट फीस इस पर लग के आ रही है, तो मतलब मैं क्यों दूँ इतना ज़्यादा बिल? अगर मेरा बिल 300-400 आता है हर मंथ, मैं वो पे करूँगा कि मैं ये 6-6 महीने का बिल 8-8 हज़ार रुपया जमा करवाऊँ, मैं क्यों करवाऊँ? मतलब बिल आपको लेट पहुँचता है, मेरे को लेट आता है, और दो तीन महीने के बाद आ रहा है बिल मेरे को, ठीक है। और जब लेट ओवर डेट के बाद मेरे को बिल आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कि इसको मेरे को स्टैंप करवा दो आप, तो मैं इसको धीरे मतलब टर्न वाइज इसको जमा करवा देता हूँ। तो बंदा आगे से मेरे को बोल रहा है कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है। तो मैंने बोला ये ड्यूटी किसकी है? आप यहाँ पे सर्विस कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है, तो उसने मेरे पे हाथ उठा दिया। और हाथ उठाया जब उसने, मैंने उसको बोला कि तूने मेरे को मारा है, तो मैंने उसको, जब मैंने उसके ऊपर आगे से अपना बचाव करने के लिए कोशिश की, तो वो ये सारे बंदे जितने भी थे अंदर, सब ने मेरे को मारना शुरू कर दिया। इवन मेरे ऊपर कुर्सी से मारा, मेरे को मेरा हेलमेट तोड़ दिया। 7-8 बंदे 10 बंदे जो भी थे, सब ने मेरे को मारा। देखिए, आपने जो बिल आप ये जमा करवाने के लिए यहाँ पर आए थे, एक तो बिल आपको सबसे ज़्यादा लेट पहुँचता है, उनका नाम आपको पता है जिन्होंने सबसे पहले आप पर हाथ उठाया था? आई थिंक उसका नाम आशीष कोल है। आशीष कोल है जी। सारे बंदों ने मारा आपको? बिल्कुल सब। जब मैंने, जब अपना बचाव करने के लिए उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, तो वो सारे जितने भी थे 8-10 बंदे थे, वो सब मेरे ऊपर पड़ गए, और सब ने अहम चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हमें इस बात की जानकारी मिली, हम यहां पर पहुंचे और हमने ये रिपोर्ट तैयार करने की जब कोशिश की, और उससे पहले भी यहां पर इसी ऑफिस के कुछ लोग थे, चेहरे जो हैं, क्योंकि जब कैमरा ऑन होता तब तक वो लोग यहाँ से निकल चुके थे, और वो हमें रोकने की उन्होंने कोशिश की। ये हमारे हाथ में बिल था, हमारे हाथ से उन्होंने बिल लिया, और शायद सेटिंग करवाने की बातचीत वो चल रही थी, और इनको मना कर रहे थे कि आप मीडिया में ना जाएं। उसके बाद आपने क्या किया जब आपको मारा? ऊपर तोड़फोड़ भी बहुत ज़्यादा हुई है। कुर्सी जो इन्होंने मेरे को मारी वो टूटी पड़ी है, इनके बोर्ड जो है वो इन्होंने, जो आगे नहीं जाने के लिए बंदर इन्होंने बोर्ड लगाया था, वो भी टूट चुका है उनकी। आप एक बार ऊपर जाके देख सकते हैं। वो देखिए, उसके बाद आपने क्या किया? क्या आपने कोई शिकायत जो है वो नहीं, आपको जब मार नहीं की है, मैंने सीधे मीडिया से अप्रोच करने की कोशिश की है। आप लोग आए हैं, और ये क्या, मैं चाहता हूं कि आपके थ्रू पहले पूरी बात हो जाए, उसके बाद मैं इनके थ्रू FIR भी कराऊं। बिल्कुल, कहां तक सही है कि अगर आप खुद, वो भी लोग हैं जो लाखों रुपए जो हैं, करोड़ों रुपए, बिल्कुल ऐसे भी लोग हैं, ऐसे सुन ले सवाल मेरा, करोड़ों रुपए जो हैं उन्होंने बिजली के देने हैं, वो नहीं देते हैं, लेकिन जो लोग खुद आ जाएंगे यहां अपना किराया दें, उन्हें उसके साथ मारपीट की जाएगी। कर रहा हूं अपने घर की बात कर रहा हूं, मैंने 2 बंडल तार लगाई हुई है, फिर जाके मेरे अपने घर में लाइट आ रही है, ठीक है। मेरे घर में एसी नहीं चलता है, कूलर ढंग से नहीं चल रहे हैं, लाइट मतलब मेरे को अगर पानी भरना होता है तो मैं मोटर लगाता हूँ, तो सारी सब चीज़ें ऑफ करके तब जाके मेरी मोटर चलती है पानी भरने के लिए, और मेरा बिल इतना ज़्यादा कैसे आ सकता है? मतलब कहने का ये, अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि हर व्यक्ति के साथ इंसाफ होगा। उपराज्यपाल यहाँ पर नए आए हैं, मनोज सिन्हा साहब, ये कहा जा रहा है कि हर एक व्यक्ति के साथ इंसाफ होगा, लेकिन ये कैसा इंसाफ होगा कि जो पैसे देने के लिए खुद आ रहा है उसके साथ मारपीट की जाएगी? अगर आपकी आवाज़ यहाँ से वहाँ तक पहुँच रही है हमारे माध्यम से, क्या अपील आप करेंगे कि ऐसे अधिकारी जो हैं, जो
अपना काम करने के लिए आते हैं, लेकिन गुंडागर्दी, ये जो तस्वीरें जो हमें दिख रही हैं, इसको हम गुंडागर्दी ही कहेंगे पूरी जिम्मेदारी के साथ, इसमें हमें कोई संकोच नहीं है ये कहने में। क्या अपील आप करेंगे? मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को सस्पेंडेड करना चाहिए जो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं और अंदर बैठ के आराम से सैलरी ले रहे हैं। कुछ दिन पहले एक ऑर्डर गवर्नमेंट ने निकाला था कि 50 से 55 वर्ष के वो लोग जिनकी परफॉर्मेंस सही नहीं होगी उन्हें जबरन रिटायरमेंट दे दी जाएगी। तो लोग हैं सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम शशि ठाकुर है। शशि जी, आप भी आए जब, आपके मित्र हैं? हाँ जी, हाँ जी, आप भी आए। आपने जब आए तो क्या देखा, क्या आप भी ऊपर गए थे या तब तक ये हो चुका था? मैं तब तक ये हो चुका था, मैं नीचे ही था। मैं सिर्फ देखने आया था कि इसको कितना मारा है, क्योंकि ये फ़ोन पे इतना भावुक हो गया था, क्योंकि ये वो युवा नहीं है, इसकी ये टीन एज का नहीं है, 40 साल उम्र है, और इस उम्र में ऐसी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय पढ़ा लिखा जिसको नियुक्त किया गया अच्छे उस पे ओहदे पे रखा गया है, वो उसके साथ ये बिहेव करेगा तो इसके मन में एक बदले की भावना ज़रूर निकलेगी, और ये इन्हीं बदले के भावनाओं से क्राइम होते हैं, इसी चीज़ से आगे क्राइम निकलते हैं। मैं उसी के कारण यहाँ पहुँचा हूँ कि इस एज में ये कोई गलत काम ना करे, बाहर उसको दोबारा उसको मारने की कोशिश ना करे, इसलिए हमने मीडिया को अप्रोच किया था। और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ भी सेम हुआ, मैं 4 दिन 5 दिन पहले आया हूँ इसी कार्यालय में आया हूँ, मेरा 5000 समथिंग कुछ बिल आया था कोविड-19 के चलते, मीटर रीडिंग में गड़बड़ी थी, कुछ भी था। मैंने इनको बोला कि भाई साहब ये देखो, ऑनलाइन चेक करो, मेरा बिल ना मिसप्लेस हुआ है, लास्ट पेमेंट यहाँ पे मार्च में मैंने की है, 5000 कुछ किया है, उसके बाद फिर मेरा 5500 रुपये बिल आ रहा है, किस लिए आ रहा है? तो ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं जी, ये बिल ना श्रीनगर से बन के आ रहे हैं। जम्मू में क्या है, श्रीनगर क्यों बन रहे हैं ये बिल? मैं हैरान हूँ कि ये पीडी डिपार्टमेंट, मतलब सही तरह से आपको जवाब नहीं दिया, नहीं गया। और ऊपर से बोल रहे हैं कि यहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम है जी, इसलिए इतना बड़ा विभाग है, इन्होंने ब्रॉडबैंड तक नहीं लगाया है, लोगों से बिल ले रहे हैं, पूरा बिल ले रहे हैं, यूनिट के हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन ये एक ब्रॉडबैंड अपने इतने बड़े विभाग में नहीं लगा सकते, और वहाँ पे काम ज़्यादा करना पड़ेगा ना फिर। हाँ जी, मैं यही एक इस काम पे एक बात बोलता हूँ, जब फ्रेंड सर्कल में बात चलती है ना, बोलते क्या कर रहा मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, दूसरा उसको बोलेगा तू तो मज़े कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब देती है गवर्नमेंट जॉब। कुछ दिन पहले ये लोग इसी विभाग के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे कि इसको प्राइवेट ना किया जाए, इसकी प्राइवेटेशन जो है वो ना की जाए, क्या क्या डर था इनको कि इनके मज़े जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? वही मज़े ख़त्म होंगे, मैंने आपको साफ बता दिया है कि कुछ गवर्नमेंट एम्प्लाई जो हैं गवर्नमेंट जॉब इसलिए कर रहे हैं मज़े करने के लिए। अब सर आगे क्या कार्रवाई, क्या आप शिकायत करेंगे, पुलिस तक जाएंगे? अब मैं विशाल जी को आगे देखूंगा ये क्या करते हैं, लेकिन इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनका बिहेव अच्छा नहीं है, अगर इनसे पूरा काम नहीं हो रहा है ये आगे कंप्लेन करें, अगर इनके पास एम्प्लॉयज़ कम है, यहाँ आगे बेरोजगारी है, लगा दो डिपार्टमेंट में बंदे, कितने लोग खड़े हैं, कितने पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं। बेहद 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 दुखद ये चीज़ है कि ये बिल एक बार आपको, सर ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस पर स्टंप्स तो लगी हैं, क्या ये मारपीट होने के बाद लगी हैं पहले? ये मेरे साथ पूरा हादसा होने के बाद में ये स्टंप की गई है। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जब यहाँ पर आप आए थे जी, हमने ये रिपोर्ट तैयार करनी शुरू की थी, उससे पहले ही कुछ और लोग आ गए थे जो कह रहे थे कि इसको मीडिया में आप ना जाएं, क्या आपको लगता है कि ये इनको नीचे भेजा होगा कि आप अप्रोच करें, कंप्रोमाइज़ हो जाए? जी, क्योंकि जो एक सर हैं अंदर, उनकी इसके साथ पहले भी अंडरस्टैंडिंग है, ये हेलमेट वेयर गया था, हेलमेट पहन के कोविड-19 के चलते मास्क लगा के, उन्होंने इसको पहचाना नहीं था, और जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद जब इसने हेलमेट उतारा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार आप सेटलमेंट कर लो, बिल्कुल स्टैंप लगा, अगर आपकी जान पहचान है तो आपका बिल भी काम हो जाएगा, आपको इज्जत दी जाएगी, लेकिन आपकी अगर जान पहचान इस दफ्तर में नहीं है तो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी और आपके साथ मारपीट की जाएगी, बेशक आप अपनी मर्जी से अपना बिल जो है और वो जमा करवाने आए। लेकिन ये बेहद दुखद है कि एक व्यक्ति जो कि अपना बिल यहाँ पर जमा करवाने के लिए आते हैं और मारपीट उनके साथ की जाती है, ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस मामले में जाँच ज़रूर होनी चाहिए, और हम नहीं कह रहे जो भी दोषी हो, अगर इनकी तरफ से गलती है तो इनको भी सज़ा देनी चाहिए, और अगर गलती वहाँ से है तो वहाँ पर भी जो है कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, ताकि दूसरी बार इस तरह की घटनाएं ना सामने आएँ, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर आते रहते हैं अपना बिल जमा करवाने के लिए, और अगर लोगों के साथ मारपीट इस तरह से ये इम्प्लाइज़ करते रहेंगे तो ये कहाँ का इंसाफ है? विश्वास लोगों का ख़त्म हो जाएगा इस तरह के कर्मचारियों में। अब देखना यह है
कि क्या इस मामले में जांच होगी, क्या कोई जांच करने की हिम्मत करेगा, और जो दोषी पाए जाएंगे क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोई हिम्मत करेगा। हम दूसरा पक्ष जानने की कोशिश भी ज़रूर करेंगे। हमने एक तरफ का जो पक्ष था वो दिखाने की कोशिश ज़रूर की है और दूसरा पक्ष जानने की हमने कोशिश की। हम यहाँ पर पहुँचे जहाँ पर ये पूरा वाक्या हुआ था और यहाँ पर आपको दिखा दें, यही वो जगह है जहाँ पर इस तरह की मारपीट जो है वो यहाँ पर हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो जगह है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्मचारी अपना काम पूरी यहाँ पर कर रहे हैं और ये वो कार्यालय है। हमने एक पक्ष तो दिखाया और हमारा ये फ़र्ज़ बनता था कि हम दूसरा पक्ष जो है उसकी भी बात रखें। हमने पूरी कोशिश की कि हम दूसरे पक्ष की बातचीत जो है वो यहाँ पर ज़रूर उनसे करें कि आखिर इतनी नौबत कैसे आ गई कि मामला मारपीट तक पहुँच गया। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर दो लोग, AW साहब की बात करें तो वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और ये JE साहब का कमरा है और ये कमरा खाली है। हमने पूरी कोशिश की कि हम दूसरे पक्ष को भी मद्देनज़र रखें क्योंकि हमारा ये फ़र्ज़ था कि हम एक तरफ की बात सुनकर पूरे जो फैसला है या किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते थे। हमने दूसरे पक्ष की बात रखने की कोशिश की और ये कमरा आप देख सकते हैं। पहला नंबर तो जब हम यहाँ पर आए तो कोई हमें सही तरह से जवाब नहीं दे पा रहा था और एक दूसरे पर बातचीत जो था वो की जा रही थी और जैसे ही ये पता चला है इनको कि ये हादसा हुआ है, ये घटना यहाँ पर हुई है, AW साहब यहाँ पर नहीं मिले और साथ ही साथ JE साहब की बात करें तो ये कमरा, सर इधर आए एक मिनट, आप क्या क्या कहेंगे कि एकदम से काम पड़ गया सबको? वही लग रहा सर, क्योंकि जिस टाइम इसने फ़ोन किया था तो ये बता रहा था मेरे को कि यहाँ पे सारे लोग हैं और अभी तो दिख ही नहीं रहे हैं लोग। सर आप इधर आए एक मिनट, जब और कौन कौन था अंदर? बस यहीं पे हुआ है सारा। ये बोर्ड इनका बड़ा, एक मिनट रास्ता रास्ता यहाँ पे कहाँ पे? मैं यहीं पे खड़ा था, ये बोर्ड ऐसे लगा हुआ, इसके दो पार्ट हो गए, एक पार्ट चला गया यहाँ से। तो ये आप देखें, चेयर भी गायब हो गई है। आप यहाँ पहचान सकते हैं कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने आपके साथ मारपीट किया? खड़े पहले, ये देखो बिल्कुल लैंग्वेज देखो इनकी। आइए अंदर सर, एक अंदर आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप कहिए। ये मेरे पास किस काम के लिए आए थे पूछ लीजिए। ये आए थे मेरे पास, ये बिल दे दो जी, इसको स्टैंप लगाओ, ठीक है सर? जी जी। मैंने कहा बिल का लास्ट डेट हो गया है, नया बिल आएगा तो उस पर आप आओ मैं लगा दूंगा। कहता मेरा 27 तारीख को आया, मैंने कहा आप देखो 31 इसकी लास्ट डेट है। नहीं फिर मेरा 27 क्यों आया? मैंने कहा ये तो आप साहब को बोल दो मेरा 27 को आया। फिर भी मैंने इनको बोला आप 20 को आएगा, बिल नहीं आएगा 20 तक, आप आ जाओ। आप ठीक आपकी बात सुन ली। आप मुझे ये नहीं सुनिए सर, वो ठीक है लेकिन मामला मारपीट तक कैसे पहुँच गया? वही बोल रहा हूँ ना मैं। अच्छा ठीक है, फिर भी मैंने इनको बोला दोबारा जो साहब से बात करो, अगर आपका बिल नहीं जी आप मुझे क्यों नहीं बिल रहे? मैंने कहा मैं कौन हूँ बिल देने वाला। मामला मारपीट तक कैसे पहुंच गया ये बताएं। मार क्या ये बंदे थे, हेलमेट पहनी थी ना भाई, मैंने इनको बोला चलो पीछे हो जाओ, अब दूसरे बंदे को आने जाओ पीछे। मैं ऐसे देखा इसे, इधर थप्पड़ मारा मुझे, ये पूछो सभी से, ये सारे है, ये झूठ नहीं, ये माता रानी की कसम, इसने मुझे ऐसे नहीं, ये कसम आप छोड़ दें। आप मुझे एक ईमानदारी से ये चीज़ बताएं, इनका ये कहना है कि सारे जो लोग थे वो एक साथ मारने को आ गए। ये तस्वीरें आप दिखाएं, मारपीट हुई है, मारपीट यहाँ पर हुई है, इसने की मारपीट, इसने थप्पड़ मारा मुझे, सारे उठे भाई क्या कर रहे हो, मैं देखूंगा वो करूंगा ये करूंगा यहाँ से। आपके पास अगर इन्होंने थप्पड़ मारा तो आपके पास एक लीगल आप तरीके से पुलिस में अभी तक आपने कंप्लेंट की है इस बारे में? हमारे साहब नहीं, जब अच्छा। तक नहीं आएंगे उनको सुनाएंगे, तब तक आपने सोचा कि हम मारपीट कर लेते हैं? मारपीट किसने किया पूछो, किसने? उन्होंने कहा कि जितने भी लोग थे सारे लोग आ गए। आप कैसे बोल रहे हो मुझे मारपीट की, कैसे आपको कैसे पता है मैंने मारपीट की? अगर हम फैसला सुनाते तो हम यहाँ पर नहीं आते, हम आपसा का पक्ष नहीं रखते, लेकिन यहीं से आप चलिए, यहीं से ही साफ तौर से आप देख सकते हैं कि अगर कैमरे पर इस तरह की इनकी लैंग्वेज होगी तो इससे पहले यहाँ पर क्या हुआ होगा वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्योंकि अगर हमने एक तरफ की बात सुननी होती तो हम यहाँ पर नहीं आते। हम यहाँ पर आए, हमने सोचा कि हम दूसरा पक्ष ले लें, लेकिन ये हमें भी डरा रहे हैं कि आप कैसे कह सकते हैं, और ये बहुत दुखद है। इस मामले में जांच जो है वो ज़रूर होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए, क्योंकि हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर कैमरे पर इनका रवैया इस तरह का होगा तो इससे पहले इनका रवैया किस तरह का रहा होगा। और ये मारपीट जो है ये ज़रूर हुई है, मारपीट ज़रूर हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और फिलहाल हमने पूरे जो थी वो दूसरे पक्ष की बात भी रखने की पूरी कोशिश जो है वो की, लेकिन लेकिन
लेकिन जो है, लेकिन अभी भी उन पर दबाव डाला जा रहा है, दबाव ये डाला जा रहा है कि आप किसी तरह से कंप्रोमाइज कर लें, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। और फिर से मैं बता दूं कि कैमरे पर अगर इनका रवैया इस तरह का होगा तो इससे पहले इनका रवैया किस तरह का हुआ होगा, मारपीट के जो कुछ चिन्ह वहाँ पर हैं, निशान, जिस तरह से बोर्ड टूटा हुआ है, चेयर वहाँ से गायब है, और इनका रवैया जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस मामले में जांच ज़रूर होनी चाहिए ताकि लोगों का विश्वास जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ पर बना रहे। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।